तो दोस्तों यदि आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो आपको यूट्यूब की तरफ से मिलता है एक बहुत बड़ा गिफ्ट। उस गिफ्ट का नाम है कस्टम यूआरएल। अपने चैनल का एक यूआरएल है कि एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपके चैनल का थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ जाता है, आपका चैनल जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपकी पहचान हो जाती है, नाम हो जाता है यार। तो यार कस्टम यूआरएल कैसे सेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है, और हाँ जिनके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो भी गए हैं लेकिन उन लोगों को भैया अभी क्लेम हेयर नाउ के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उनको कौन से मंत्र का जाप करना है आपको यही पंडित बताएगा। पूरा कंप्लीट वॉच करना वीडियो को लास्ट तक, तभी आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कस्टम यूआरएल होता क्या। कस्टम यूआरएल आपके चैनल का लिंक होता है। यदि आप कोई वीडियो शेयर करते हैं या आपके चैनल का ऊपर लिखा होता है लिंक YouTube/A2ZBCDD, क्या लिखा है यार, मतलब चैनल का प्रॉपर नेम नहीं होता है, वो पता नहीं क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ शर्तें होती है यूट्यूब की, वो फॉलो करनी पड़ती है, तभी आपको कस्टम यूआरएल का गिफ्ट मिलता है। उसके लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। दूसरी शर्त यह होती है कि आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि आज ही बनाया कल अगर 100 सब्सक्राइबर हो गए तो भैया आपको नहीं मिलेगा, 30 दिन रुकिए। इसके बाद चौथी शर्त है कि आपके चैनल पे पीछे बैनर आर्ट लगी होनी चाहिए, और इसके बाद लास्ट शर्त ये है कि आपके चैनल पे लोगो भी होना चाहिए एक बढ़िया सा, ताकि आपको जो है ये गिफ्ट मिल सके। उस गिफ्ट के लिए अप्लाई कैसे करते, कैसे आप कस्टम यूआरएल जो है अपने चैनल का ले सकते हैं, तो चलो भैया आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आप यूट्यूब खोल लीजिए, वो भी डेस्कटॉप साइट पे। और हाँ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप भी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलो आ गए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आने के बाद अपने क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद आ जाइए डैशबोर्ड पे। चलो आ गए, इतना तो सबको पता है। इसके बाद सेटिंग तो पता हो, चक्री बनी हुई है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जर्नल, दूसरा होगा चैनल, तो चैनल पे कर दो क्लिक। और क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन होंगे, तीन में बीच वाला देखिए एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग पे कर दो क्लिक। कर दिया अपन ने भी, कर दिया। करने के बाद स्क्रॉल करिए ऊपर को, और ऊपर को करेंगे तो नीचे लिखा होगा मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, तो अपने अकाउंट को मैनेज ही करना और कस्टमाइज करना, तो क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप अपने चैनल पे आ जाएंगे, जहां पे आप चैनल को जो है ना सजा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ वहां कर सकते हैं, हेर फेर करना है तो लास्ट पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा होगा एडवांस सेटिंग, एक बार फिर उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद चैनल आईडी और चैनल नेम ये सब लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यदि आप YouTube के बहुत अच्छे कस्टमर हैं, YouTube आपके ऊपर मेहरबान है, तो भैया आपको 100 सब्सक्राइबर होने के दो दिन बाद, तीन दिन बाद ही आपको दे देगा कि भैया आप जो अपना कस्टम यूआरएल चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन YouTube सबके ऊपर मेहरबान नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कि मेरे चैनल पे 150 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन फिर भी YouTube मेरे ऊपर मेहरबान नहीं, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं। अमीर आदमी जो कोई बड़े आदमी होते भाई साहब, उनके ऊपर ही ये मेहरबान होते, मेरे ऊपर मेहरबान नहीं है। पता नहीं कब होगा, मैं कब अपना कस्टम यूआरएल सेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगों का आ गया तो क्लेम हेयर पे नाउ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप अपने चैनल का जो नेम हो उसको डाल दो। यदि वो चैनल का नेम किसी और ने ले रखा होगा तो भैया नहीं मिलेगा, कुछ और रखो। और जिन लोगों का यहाँ पे क्लेम हेयर नाउ के लिए नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए सिर्फ यही मंत्र कि भैया आप कर लो इंतजार, क्योंकि इंतजार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं खुद कर रहा हूँ यार, 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 60 दिन से ऊपर चैनल पुराना हो गया है, चैनल आर्ट भी लगा, लोगो भी लगा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने YouTube को मेल भी किया था और फीडबैक भी डाला था स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन YouTube ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि अभी हमारा चैनल छोटा है और हम गरीब आदमी हैं, इसलिए भैया यूट्यूब रिप्लाई नहीं दे रहा। जब उसकी नजर पड़ेगी तो वो हमको भी देगा, ऐसा नहीं है, और आपको भी मिलेगा। तो थोड़ा सा कर लो इंतजार, और जिनको मिल गया तो भैया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको नहीं मिला नीचे कमेंट करके बताओ यार मिल गया हो, तो मैं भी ताली बजा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब। और लास्ट टिप देना था ना, तो लास्ट ये बता दूं कि जो लोग अभी चैनल बना रहे हैं या नहीं बनाए हैं या बनाना चाहते हैं, तो भैया चैनल का नेम एक यूनिक रखो, क्योंकि चैनल बहुत सारे हो गए, देखा सीखी नहीं कि भाई टेक्निकल ये टेक्निकल वो टेक्निकल, इतने सारे टेक्निकल भर गए कि चैनल का नेम थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा सा कस्टम यूआरएल मिल सके। नहीं तो भैया नहीं मिलता है यार, लोग पहले से लेके रखते हैं, फिर आप दूसरा रखोगे, चैनल का नेम दूसरा है, यूआरएल दूसरा है, सब कुछ दूसरा दूसरा, भैया मेन क्या है, ब्रांड ऐसा होता है कि सब कुछ वही ब्रांड। आदमी वो होता है कि ब्लैकबेरी के शर्ट पहनता है, ब्लैकबेरी का पैंट, ब्लैकबेरी का अंडरवियर, ब्लैकबेरी का चश्मा, ब्लैकबेरी की सब कुछ, ब्लैकबेरी ब्रांड। तो ब्रांड मतलब यही है कि नेम अच्छा रखो, अच्छा चूज करके रखो। तो बस यार वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।